और पूछना चाहती हूँ आपसे अजय आलोक जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, झुके झुके से चलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, क्या जवाब देंगे आप? नविका जी, मैं बस कहूंगा अमित भाई ज्यादा बेहतर समझेंगे। दौरे गफलत भी एक इनायत है, दौरे गफलत भी एक इनायत है, इस उम्र में बिगड़ना भी जायज है। उम्र हो गई है काफी, 55 साल की उम्र हो गई है, थोड़ा गफलत पर रहने दीजिए, जायज है। लगातार तीन तीन चुनाव हार के, 52 से 99 पहुंच के, कोई आदमी हवा में मुंगेरी लाल के सपने देखे कि मैंने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, छाती उनकी ऐसी हो गई है, सीना उनका ऐसा हो गया है। पहले छाती या सीने का अर्थ अंतर पता है नहीं, है नहीं, और कुछ भी बोलने लगते हैं। आजकल बड़ा समस्या हो गई है इनकी, राहुल गांधी की, हर चीज़ नया नया, कभी कैब ड्राइवर के साथ मिलने लगेंगे, कभी किसी के पास मिलने लगेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस शैटर किसको कहते हैं? इसी को कॉन्फिडेंस शैटर कहते हैं कि आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है कि क्या आप करने जा रहे हैं। कभी कोई नैरेटिव बनाएंगे, कभी कोई नैरेटिव बनाएंगे, नैरेटिव फुस हो जाता है, बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। आज यहाँ पे तो सब काम लगातार होते जा रहा है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश की नीति हो, चाहे देश में काम करना हो, चाहे बजट पास करना हो, चाहे अभूतपूर्व लोकसभा सेशन करवाने का हो, सरकार ने क्या नहीं कर लिया, सब आराम से कर लिया। आपको गफलत में रखा और आप भी हमारे साथ चलते गए, हम आपको ऐसे ही गफलत में रखेंगे और 5 साल देश को हम आगे लेते चलेंगे। आप इसी में खुश रहिए कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस टूट गया, ये टूट गया। फिर चुनाव के नतीजे आएंगे, जब राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, उस चुनाव में भी हम जीतेंगे और आप फिर कहेंगे कि हम हीरो बन गए। क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर से आप 0 पे गए हैं, वहां गठबंधन करके 2-4-5 सीट करके फिर गफलत में रहिएगा। हरियाणा में बहुत कूद रहे हैं, बहुत उछल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में साफ, वहां पे आप सबको सिर्फ हुड्डा, सुरजेवाला और कौन है इनके, अंडा अंडा वाला वाला मैं सब कोई आपकी दिख रहा सारी है, लेकिन बातें समझ सच्चाई रही हूँ ये है अजय आलोक जी, कि लेकिन काम अगर वाला वो मोदी कैब नहीं दिखता ड्राइवर से इनको। मिल रहे हैं, लोको इंजन ड्राइवर से मिल रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कमलाकर त्रिपाठी जी, कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का तो बहुत बढ़ा हुआ लगता है, खास करके लाल चौक पर, खास करके जब आइसक्रीम खा रहे हो। आइसक्रीम तो बहुत अच्छी खा रहे हैं, लेकिन उस लाल चौक पर खा रहे हैं जिसे शायद बीजेपी की सरकार ने जाने योग्य बना दिया। पहले तो कोई जा नहीं सकता था, तिरंगा फहरा नहीं सकता था, आज वहां जाकर आइसक्रीम खाने के दिन तो आ गए, कम से कम इस पर तो एक थैंक यू बोल देते। नाविका जी, आपको एक बात बताऊं, ये जो मोदी जी जो सीना ठोक ठोक के कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो आज की डेट में स्थिति में आ गए हैं कि कहते हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है और मुझ पर तरस खा कोई नहीं खा रहा है। दूसरी चीज, मैं इस चीज को थोड़ा सा रिफाइंड कर दूं, ये जो खत्म हुआ है ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको अहंकार कहते हैं, जो मोदी जी अपनी विम्स एंड फैंसीज पर अपने काम किया करते थे, वन फाइन नाइट वो आकर के अनाउंस कर देते थे कि आज नोटबंदी हो गई जिसने देश को एक नई आर्थिक मंदी में ढकेल दिया, वो चाइना पर कोई जवाब नहीं देते थे, संसद में को गुमराह करते थे, जो अभी गफलत वर्ड यूज कर रहे थे, इन्होंने 10 साल तक पूरे देश को गफलत में रखा। चाइना हमारे बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ये कहते हैं, ये चाइना के कॉन्फिडेंस को मजबूत कर रहे थे कि कोई न घुसा है न घुसेगा। अब तक 37 राउंड से ऊपर की वार्ताएं हो चुकी। और आपको बता दूं, जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूंगा कि वही जयवीर बीरू की जोड़ी थी जिसने गब्बर सिंह जैसे डाकू के साम्राज्य का अंत किया था। और अहंकार किसी का नहीं रहता इस देश में, घमंड इस विश्व में किसी का नहीं रहा, न हिटलर का रहा, तोजो का रहा, मुसोलनी का रहा, न कंस का रहा, न रावण का रहा, न किसी का रहा और न किसी का रहेगा। इस देश की जनता इस बात की तस्दीक करती है कि आपका जो अहंकार है, अब मोदी जी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस बात को राहुल गांधी जी ने इंगित किया, जिस तरीके से हमारे यहाँ किसान कमलाकर को, त्रिपाठी जी, अन्नदाताओं एक को बात पे तो मैं आपके साथ आतंकवादी कहा 100% गया, उनके सहमत साथ में हूं। कांटे भी आप खाए सही कह रहे हैं, हैं, अहंकार तो किसी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार के आगे पतन है। ये तो हमारे बाप दादा हमें समझा गए हैं और जग जाहिर है ये। लेकिन
राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा? अग्निवेश हमारे साथ अवनीजेश जी हैं। अवनीजेश जी, अवनीजेश जी, सवाल ये है कि राहुल गांधी कहीं अहंकार की तरफ तो नहीं निकल गए कि उन्होंने सब कुछ हरा दिया, अब झुक झुक के मोदी चल रहे हैं, 52 से 99 आ गए, कौन सा उन्होंने सरकार बना ली, 99 पे रहकर 240 वाले को आंख दिखाना, अब ये अहंकार नहीं है तो क्या है? मैं एग्जैक्टली नाविका जी यही कहने वाला था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जबकि तमाम लोग कहते थे मेरे से लिख के ले लो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, लिख के देने को तैयार थे। अब क्या हुआ उस गारंटी का, तो अहंकार कहाँ था, पहली बात। दूसरी बात, झुक के चलना जो है ना, फलदार वृक्ष हमेशा झुक के ही चलता है, जिसको झुका झुकना नहीं कहते उसको, उसको मृदुता कहते हैं, उसको मधुरता कहते हैं, उसको करुणावश कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने देश के लोगों को कभी नहीं कहा कि सीना तान करके, उन्होंने कहा वो जो देश के दुश्मन है उनसे आंख से आंख मिला के बात करूंगा, उनके लिए 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान के लिए जिसके लिए आपके सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर एंड दिग्विजय सिंह एंड तमाम कंपनी, फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, छोड़ दीजिए आप कह रही है अलायंस है, वो अलायंस में तो फिर बात होने लगेगी, तो डीएमके से लेकर के ममता बनर्जी तक पता नहीं किसकी किसकी बातचीत होगी, लेकिन ये तो खुद कांग्रेस के और पूर्व विदेश मंत्री कहते रहे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, यहां तक कहा सलमान खुर्शीद ने कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से नवाज शरीफ से सीखना चाहिए कि कैसे देश चलता है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान जिस हंगर इंडेक्स की बात करते हैं उसको पाकिस्तान ऊपर है उसमें, उसकी तारीफ करते हैं जाकर के वहां पे, और ना सिर्फ वहां करते हैं यहां करते हैं। नाविका जी अच्छा कहा इन्होंने कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस है। 99 लेकर के भी कोई अगर ये कहता है कि मैंने उसको हरा दिया तो ये उसकी खुशफहमी है, उस खुशफहमी में रहे बहुत अच्छी बात है, सही बात है ना कि 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं आई, बिल्कुल। उन राज्यों के बारे में और अमित जमाई जी आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी, तो कोई गलत तो कहा नहीं, क्योंकि आप लोग सब मिलकर 235 पर है, वो एक अकेला 240 पर है, तो एक अकेला सब पर भारी तो हुआ ना अमीक जमाई जी। लेकिन राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि सीना छोटा हो गया, झुक के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ओछी बात नहीं है राजनीति में। देखिए, ये जो ऑटोक्रेटिक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी हो रही थी और जिस अहंकार में देश को ये लोग डुबाने का काम कर रहे थे, इससे आवाम में बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते थे पहले, जब कहते थे तो वो हुआ करता था, फिर कहा कि 370 बोले तो 370 भी नहीं हुआ। अब एक लंगड़ी लूली जो है, एक ऐसी रिमोट कंट्रोल पटना और क्या कहते हैं हमारे नायडू साहब से मिलकर एक ऐसी सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो चेहरे का हीमोग्लोबिन है वो कम होगा। तो प्रधानमंत्री जी के लिए मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं, अजय आलोक भाई के लिए, तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौटा, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी। जमी के मसाइल क्या है कि जिस प्रधानमंत्री हमारे जो हैं प्रधानमंत्री जी, जिनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है, वहां के आदिवासियों से मिलने का समय नहीं है, ऐसे में एक क्रांतिकारी नेता इंडिया अलायंस का राहुल गांधी जी बच्चों के बीच में, आवाम के बीच में, जो मेहनत कश लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी तकलीफें हैं, अगर वो जान रहे हैं तो इस सौतिया डाह पालने का क्या मतलब। तो राहुल गांधी की जो इमेज है या माननीय अखिलेश यादव जी का जो इमेज है, देश में प्रधानमंत्री के बराबर चला गया, अब ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहना ये है कि देखिए, ये हुकूमतें, ये सल्तनत हमेशा नहीं रहती है, सरकार डूब रही है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, ये हुकूमत जा रही है वन अमित जमाई जी, अमित जमाई जी थोड़ा सा मुझे भी समय दे दें, 2-3 चीजें आपको भी याद करा दूं और फिर अजय आलोक जी आप जवाब दीजिएगा। एक तो ये याद करा दूं, अगर प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए तो अखिलेश जी और राहुल जी भी कोलकाता नहीं गए, चले जाइए ना, उनके पास तो समय होगा, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, थोड़ा तो समय होगा, चले जाते कोलकाता, लेकिन नहीं गए, लेकिन नहीं गए। और एक और बात, अजय आलोक जी, नीतीश बाबू और नायडू जी आपके साथ आ जाएं तो लंगड़े लूले, इनके साथ चले जाएं तो ये बाहुबली, ये क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का कैरेक्टर नहीं है। आजकल सुना है कि वो सुबह सुबह फोन करते हैं, गुड मॉर्निंग नायडू साहब, हाउ आर यू,
तो ये तो अच्छी बात है ना, सभ्यता सभ्यता रखनी अच्छी बात है। अमित गवाई जी हेलो हाउ आर यू, पूछना कोई बुरी बात थोड़ी है, नहीं है। गुड गुड मॉर्निंग को सब लोग भेजते हैं देश में, व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग सब लोग सबको भेजते हैं। आप अगर नहीं भेजते तो नजरे इनायत रखिए, भेजा करिए, अच्छी बात है, सोसाइटी में बना कर रखा करिए। लेकिन लेकिन अजय आलोक जी लंगड़े लूले मोदी के साथ, नायडू और नीतीश इनके साथ रहे तो सारे बाहुबली, ये कौन सा नजरिया है? नजरिया नविका जी, अब अमित भाई पे सुन के मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है, आज पता नहीं लगता शेरों शायरी चलेगी। शुक्र है यहां सिर्फ परिंदों ने उड़ना सीखा है, शुक्र है यहां सिर्फ परिंदों ने उड़ना सीखा है, वरना यहां तो हर दौर से गफलते गुमानी में लोग उड़ रहे हैं। अरे अमित भाई, भारत कैसे डूबेगा पैसिफिक ओशन में? डाके अभी आपने कहा प्रशांत महासागर में देश डूब रहा है, कैसे ले जाएंगे भारत को उठा के प्रशांत महासागर? अरे हिंद महासागर बोल देते, बंगाल की खाड़ी बोल देते, समझ में आता। नहीं डुबा तो दिया है, गुमानी कहाँ है ये तो दिख रहा है, बोली में भी दिख रहा है। अरे प्रशांत महासागर में कैसे डुबाएंगे भाई, कैसे उठा के ले जाएंगे प्रशांत महासागर में? अच्छा सुनिए ना, आगे प्रधानमंत्री, अरे ठीक है चलिए हिंद महासागर आपने कर दिया, ठीक है। मैं दूसरी बात, मैं दूसरी, अरे सुनिए सही, सुनिए ना आज आप देखिए गफलते गुमानी में क्यों, गफलते गुमानी क्यों कह रहा हूं, अब आप सुनिए। आप लोग का शीशा टूट रहा है, आपका शीशा टूट रहा है। जिस संविधान को दिखा दिखा के और एक फॉल्स नैरेटिव बना के आपने कुछ सीटें जीत ली जिससे आप गफलते गुमानी में आ गए हैं, उस नैरेटिव टूट रहा है वो, आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन 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 आप मुसलमानों को बाकी देश से अलग समझते हैं, गैर बराबरी तो हो गया, धर्म निरपेक्षता आप मानते नहीं है। एक मिनट सुनिए अमित भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप अपने समय में बोलिएगा ना, आप अपने समय में बोलिएगा। देखिए फेक नैरेटिव बर्स्ट हो रहा है तो गुमानी आपकी टूट रही है। आप कहते हैं इंडिया गठबंधन भरा कांग्रेस, सब कोई खुले आम ममता बनर्जी को गाली दे रही है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, कहां इंडिया गठबंधन? ममता बनर्जी के जरा 29 निकाल दीजिए, कितने बच गए आप 233 से? अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आपसे अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 10 में 10 उपचुनाव के सीट है, कांग्रेस ने 4 सीटें मांगी, आपके महासचिव ने क्या जवाब दिया? दैट्स अ विशफुल थिंकिंग, बड़ा इंडिया गठबंधन है। आप जानते हैं कि कांग्रेस को ऑटोफेजी नाम की बीमारी है, वो अपने ही शरीर को खाना शुरू करती है, और आप कांग्रेस के शरीर का हिस्सा बने हैं तो कांग्रेस का खाना सबसे पहले आप ही बनेंगे। इस बात को मुलायम सिंह यादव जी से बढ़िया कोई नहीं जानता था, ये आप भी जानते हैं, यही डर सता रहा है आप लोग को। तो गफलते गुमानी में आप रहिए, हम क्यों रहेंगे? जब कांग्रेस खाना शुरू करेगी तो छटपटा के भागिए जैसे पहले भागे। शिवसेना वाले यहाँ बैठे हैं, इनसे भी मैं पूछूंगी, आपकी जैकेट तो बड़ी सैफरन रंग की है, सोच कैसी है ये मैं जानना चाहती हूँ। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक साथ बैठे हैं और वो क्या कह रहे हैं कश्मीर के बारे में? अब इस पर आपका क्या रवैया है? आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस उधर टूट रहा है और अलायंस इधर कश्मीर और पाकिस्तान की बन रही है? भैया आप इन सोच और इन विचारों के साथ सहमत हैं? नाविका जी नमस्ते, शेरो शायरी की बात चल रही थी, अजय आलोक जी की पार्टी के लिए शेर है ये। पहले कह रहे थे कि हमको उड़ना है ऊंची उड़ान, और अब कह रहे हैं कि रास्ते में ही आ गई है हमको थकान। ये अजय आलोक जी की पार्टी की आज की स्थिति है। एक समय कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब की बार 400 पार, 350 के पार अकेले बीजेपी और बाकी 50 लेकर एनडीए के साथ 400 पार। खैर स्थिति सबने देखी। अब आपके मूल सवाल पे आता हूं, जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए शिवसेना ने दिल खोल कर देशभक्ति के रूप में एनडीए का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का साथ दिया। सरकार सफल हुई, धारा 370 हट गया। लेकिन सरकार 370 हटाने में तो सफल हुई, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी जम्मू और कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए थी वो देने में असफल हुई। ये आप भी मानेंगी, हम भी मानेंगे। आए दिनों जब हम सुनते हैं कि वहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं,
हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के कर्मी शहीद हो रहे हैं, वहाँ के रहवासी घायल और मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित भाई बहन इतने वर्ष बाद भी वहाँ स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो मन व्यथित होता है कि क्या इस दिन के लिए आपको धारा 370 हटाने के लिए हमने समर्थन दिया था? हमने इसलिए दिया था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो, जम्मू कश्मीर खुशहाल बने, वहाँ नौकरियाँ आए, वहाँ रोजगार बढ़े, बिजनेस व्यापार बढ़े, जम्मू कश्मीर के नागरिक एक अच्छी जिंदगी जीने में सफल हो जाए और पाकिस्तान को हम करारा जवाब दे सके। लेकिन लेकिन आज कुछ तो जवाब गया ना, जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया, कुछ तो जवाब गया ना लाल चौक पर जब तिरंगा है और लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, क्यों अवनीजेश जी? तो लाल चौक पे तिरंगा हमारा अधिकार ही है, वो हमें फहराना ही है। अधिकार तो है, होता क्या था? अधिकार भूल गए, हम फहराएंगे, भूल गए हैं। जनता हो गया है, इतने अहंकारी नविका जी क्यों है? नविका जी ये इतने अहंकारी और तानाशाही क्यों हो जाते हैं? ये क्यों सोच लेते हैं कि देश? अरे सुनिए, आनंद भाई अवनीजेश जी आपको समझाएंगे कि अधिकार क्या था और होता क्या था। मैं बताता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आज बात हुई है तो शुरुआत वहां से करूंगा और कश्मीर पे भी आऊंगा। कॉन्फिडेंस नाम की वो चीज होती थी, 36-56 इंच का सीना होता था कि मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जिसको जाना होता था मातोश्री जाते थे, वो दिल्ली आकर के कभी चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। वो थे बाला साहब ठाकरे श्रद्धे, जिन्होंने सावरकर के बारे में अगर किसी ने गलत टिप्पणी कर दी तो सार्वजनिक रूप से फोटो में जूते मारे थे, वो थे बाला साहब ठाकरे। इसलिए बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है आनंद दुबे जी, आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इतना नहीं हुआ कि सिर्फ धारा 370 हट गई। अच्छा। आपको पहले फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहिए, आप सेना के बारे में कह रहे थे कि शहीद हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सेना मिली हुई है जो आपका अलायंस का आदमी है। पत्थरबाजी नहीं हो रही, स्कूलों में आग नहीं लग रही, दलितों को, लाखों दलितों को आरक्षण का और नौकरी का लाभ मिला है, आपको धारा 370 का कोई फायदा नजर नहीं आता, नहीं आएगा आपको नजर, क्योंकि चश्मा तो दूसरा पहना हुआ ना आपने, आपने तो चश्मा ही दूसरा पहन लिया, तो कैसे नजर आएगा? जम्मू कश्मीर में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अरे वहां पर जहां पर ये आपकी इंडिया अलायंस की कहते थे कि वहां पर कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, आज वहां पर आइसक्रीम खाई जा रही है जाकर के, तिरंगा झंडा लहर रहा है, 15 अगस्त पर तिरंगा रैली निकलती है, ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन देश को नजर आता है, वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को नजर आता है, ये शहला रसीद को नजर आता है, उनको नजर आता है, आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने आप जब दिल्ली जाने वाले शिवसेना बन जाएंगे, जो शिव सैनिक दिल्ली जाने वाले बन जाएगा उसको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। कृष्ण कांत का यूट्यूब पर सवाल है, खुद को 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाई, दूसरों का कॉन्फिडेंस क्यों आंक रहे हैं? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। नाविका जी, पहले तो मैं एक निजेश जी की उस बात का जवाब देना चाहूंगा, जब वो प्रधानमंत्री के झुकने वाली बात कर रहे थे, एक दोहा मुझे याद आ गया, नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहु बान, ये तीनों बहुते नमे, चीता चोर कमान। तो ये जब चोर सेंध लगाता है तो झुकता है, चीता अटैक करने में झुकता है, और तीर जब फेंका जाता है कमान झुकती है। तो मोदी जी का जो झुकना है वो अब इस तरह का हो गया है कि एक समय था सारे लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे कि माला पहनाने में राजनाथ जी बाहर हो जा रहे थे, और आज की डेट में नीतीश कुमार भी बेचारे अंदर हो जा रहे हैं। ये आप भी तो महाराष्ट्र में, आप भी तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहे ना उद्धव जी को, माला से बाहर निकाल रहे हो ना। आपके यहाँ नाना पटोले जी क्या कह रहे हैं उद्धव जी को? पहले कमलाकर त्रिपाठी इस पर तो कर लीजिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना है मतलब कि ये इसी दंभ में थे, ये इसी दंभ में थे, और इसीलिए ये न किसानों से मिलते थे, न गरीबों से मिलते थे, न मजलूमों की आवाज सुनते थे, न ये बेटियों की आवाज सुनते थे। इसी आवाज न सुनने के लिए इन्होंने उनके जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को, जो पॉक्सो एक्ट में वो था, उसको प्रश्रय दिया,
और उसके बाद उसको टिकट न देते आलोक जी के लड़के को अजय आलोक जी जवाब दे, ये जो अजय आलोक जी जवाब दे, ये अपने ये एक पुराना शेर अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए ऐसा है नविका जी, अपने सवाल का जवाब कमलाकर त्रिपाठी ने दिया ही नहीं जो जनता पूछ रही है। पर अजय आलोक जी होने पे यकीन था। देखिए नविका जी ऐसा है कि कमलाकर जी, आनंद दुबे जी, अमित जी, ये लोग स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा तो करेंगे नहीं, अपने अपने तर्कों से कुछ कुछ बोलते रहेंगे। देश की जनता जानती है नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं, कितना नहीं करते। आप क्या, मैं तो बड़ा दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं, आनंद दुबे जी से पूछ रहा हूँ। एक मिनट कमलाकर जी बीच में नहीं, आनंद दुबे जी से, अरे आनंद दुबे जी से छोटा से छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। समय के हिसाब से कमलाकर जी एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए ना, ये बता रहा है आप तो ऑटोफेज हैं, आप तो खाएंगे ना इन लोग को धीरे धीरे। अब ऐसा है कि एक आनंद दुबे जी ये बताएं कि बस कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, तो जेपीसी में आनंद दुबे जी की पार्टी वक्फ बिल में संशोधन का समर्थन करेगी कि विरोध में खड़ी रहेगी। जरा बताएं, ये महाराष्ट्र चुनाव के पहले बहुत जरूरी है आनंद दुबे के लिए बताना ये बात। आनंद लेकिन वो नहीं बोलेंगे, आनंद दुबे जी वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे। अभी आपने बोला कि परमाणु बम गिरेगा, परमाणु बम गिरेगा फारूक अब्दुल्ला, कुछ नहीं, दाएं बाएं जिलेबी घुमाते रह गए। इन सबको डर है नविका जी कि कांग्रेस इनको खाना शुरू कर चुकी है। ये तो डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए, लेकिन इनके बदौलत महाराष्ट्र में कांग्रेस डबल डिजिट पे पहुंच गई। अब मुख्यमंत्री बनाने पर सवाल उठता है, उद्धव ठाकरे बेचारे मरे से कहते हैं नविका जी शरद पवार या कांग्रेस घोषणा कर दे मैं समर्थन दे दूंगा। क्या दिन आ गए यार, अपनी का यूट्यूब पर सवाल है, श्रीनगर के लाल चौक जाने का राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस मोदी राज में ही तो आया है, क्या ये बात विपक्ष नहीं समझ पा रहा? ये सवाल भी जवाब दीजिए। और आनंद दुबे जी जो सवाल अजय आलोक जी ने पूछा, नाविका जी अजय आलोक भाई साहब की याददाश्त बड़ी कमजोर है, सोच रहा हूं थोड़ी याद दिला दो। 2019 में हमारे साथ लड़कर 23 सीट पाए थे, ये 10 नंबर नहीं पा पाए, इस बार 9 पर आ गए, 2 का डिजिट नहीं कर पाए, हमें ज्ञान बांट रहे हैं। और हिंदू मंदिरों की जमीनों को हड़प कर व्यापारियों को देने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर बात करो। अरे मेरे भाई, हमारे हिंदुओं की जमीन क्यों हड़प रहे हो, इस पर कभी आपने जवाब देना उचित समझा? शंकराचार्य कह रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर के यहां से सोना 300 किलो के करीब गायब हो गया है, उस पर जवाब देने बोलना है, नहीं बोलना है, मतलब मैं वही बोल रहा हूं। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, गलत फैक्ट नहीं। मंदिर की बात करूंगा, उस मंदिर पर कब बात करोगे? हमारी जमीनों को क्यों हड़प रहे हो, क्यों तानाशाही और अहंकारी रवैया अपनाते हो? अरे नहीं बोलना है, एकदम चुपचाप बैठ जाओ। वक्फ बोर्ड पे संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड पे तो आप लोग बोलो ना, वक्फ बोर्ड पे तो आपको बोलना चाहिए। अंडे खिलाइए, आप बहस हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड पर इतना इंटरेस्ट है तो वक्फ बोर्ड की भी डिबेट करेंगे, वक्फ बोर्ड की भी डिबेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरों का कॉन्फिडेंस नापने वाले अपना कॉन्फिडेंस तो देख लें। अमीक जमाई जी, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, 235 बड़ा या 240 बड़ा? मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि इंडिया अलायंस, आदरणीय राहुल जी हो या माननीय अखिलेश यादव जी हो, इनका कद पूरे देश में प्रधानमंत्री के कद के बराबर हो गया, और दिन ब दिन प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को खो रहे हैं। पिछली बार जो संसद में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया वो बहुत ही लो था, वो मतलब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शोभा नहीं देता जिस तरह की वो बातें, ए मौसी, ए दीदी, ये लैंग्वेज नहीं है। एक प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, आप लोग बुलाए एक तिहाई प्रधानमंत्री झुके झुके, तो ये आपको बहुत आपको बहुत ये अच्छा लगता है कहते हुए, वो कुछ कहें तो वो बुरा लगता है, स्तर गिर जाता है। सवाल पब्लिक भी समझती है, और पब्लिक जो है ना ये सब जानती है, आप कहें तो सत्य वचन, प्रधानमंत्री कहें तो ओहो स्तर गिर गया। ऐसी पॉलिटिक्स इस देश में पब्लिक समझ जाती है, आप समझे ना समझे, लेकिन कॉन्फिडेंस जिसका कम हुआ है और आइसक्रीम खाने का कॉन्फिडेंस जिसका बढ़ा है लाल चौक में, ये किसका कॉन्फिडेंस का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये तो पब्लिक तय करेगी। लेकिन आज मेरे साथ
डिबेट नंबर 1 पर जुड़ने के लिए मेरे तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद।